Students? No, sir. Yes, sir. Anybody no, has sir. Seen EPG Pathshala? No. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. मैंने देखा sir. It is also one of the resource from MHRD, from where we can get our information regarding or the yes, sir. इसके साथ YouTube में वीडियोस भी डलते हैं। EPG पाठशाला के भी वीडियोस हैं, वीडियो सभी के हैं, इनके हैं, स्वयं में भी हैं, काफी जगह पर हैं। मैं yes, sir. आपको बताऊंगा सारे और बता दूंगा, ठीक है ना, सब बच्चों को। तो आपको स्टडी करने के लिए जिन लोगों को कठिनाई हो रही है, those students who are facing problem to get the study material को लेने में, कहाँ से सर्च करें, सर्च करके थोड़ा उनको दिक्कत हो रही, तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको आज बता देता हूँ, ठीक है। जहाँ से आप ये जो आपका टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया है, इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक रिसोर्स है हमारे पास, ईपीजी पाठशाला। यहाँ हमारे पास दो तरह की पाठशालाएं होती हैं। एक पाठशाला है ईपीजी पाठशाला, जो यहाँ हमने ओपन की। इस ईपीजी पाठशाला को जैसे आप ओपन करेंगे तो नीचे जाएंगे, एक लिस्ट आएगी, लिस्ट में आपके बहुत सारे कोर्सेज होंगे। इन कोर्सेज में हमारे पास एक कोर्स होगा होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ठीक है। अब जैसे कि हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, टूरिज्म प्रोडक्ट का। अगर हम सिलेबस देखें, मैं आपको जरा सिलेबस दिखा के कुछ चीजें अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ। कई बच्चे सिलेबस देखते नहीं है, तो वो बच्चे इस बात को समझो कि ये सिलेबस को समझ देखना क्यों जरूरी है, और उससे हमारी कोर्स की अंडरस्टैंडिंग, हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर में हमारे लिए क्यों काम आने, क्या काम आने वाला है और क्यों काम कराने वाला है, तो ये सिलेबस इसी तरह से डिजाइन होते हैं, ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट इस बात को इग्नोर करते हैं, सिलेबस को देखने को, फिर बाद में जब एग्जाम आता है तो परेशान होते हैं, ठीक है, किस टॉपिक का स्टडी मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, फलां टॉपिक का मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, उस वक्त वो कहते हैं कि उससे नोट मिल जाए, इससे नोट मिल जाए। लेकिन जब क्लासेस चल रही होती हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्लासेस जब चल रही हैं, पहले तो उस बात को ध्यान दो कि क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं हमारी, ठीक है। पहली बात कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे क्या करके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। जैसे ही इस बात को देखना शुरू कर देता है स्टूडेंट कि हाँ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स आते जा रहे हैं, तो उसको एग्जाम के टाइम के बहुत सारे जो परेशानियां होती हैं उसका वो सामना करने से बच जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें पहले कर लेता है। अब आप देखिए ये आपका सिलेबस है, पहले तो ये समझें कि आप पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लें आप कि आप इंडिया को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं, इंडिया। इंडिया एक हमारा डाइवर्सिफाइड कंट्री है, ठीक है, कलरफुल कंट्री है, ठीक। बराक ओबामा जब 2010 में इंडिया में आए थे, 10 or 11 आई थिंक, तो व्हेन ही अराइव्ड इंडिया, he traveled India across all areas of all states, not all states, mostly wherever he would like to go. तो वो कई जगह घूमे, और उसके बाद जब वो वापस गए, when he was departing from Mumbai airport, तो Mumbai airport से depart करते वक्त उन्होंने एक statement दिया था कि India is a garden of flowers. India is a garden of different, many different kinds of flowers. तो ये क्या कहते हैं, इंडिया में कंट्रोवर्सी हो गई, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसको बड़ा सराहा गया, और इंडिया में भी जो इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ भारत की विविधता में उसकी सुंदरता है, भारत की। मेरी आवाज सबको जा रही है, इज इट ऑडिबल टू ऑल? दरअसल ये जो है क्या नाम है, फ्लावर्स ऑफ इंडिया इज ए गार्डन ऑफ फ्लावर्स, ये इतनी बढ़िया मतलब एक डिफाइन डेफिनेशन हो गई इंडिया के लिए कि आप भी जब लिखोगे
तो आपको इस एक लाइन से आप कितना कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया इज ए गार्डन ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के रूप में हम देख सकते हैं, हम चाहे हम हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। टूरिज्म में दो तरह के रिसोर्स होते हैं, एक रिसोर्स होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्स और दूसरे रिसोर्स होते हैं कल्चरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स, कल्चरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, कल्चरल रिसोर्स, तीसरा तरह का मैनमेड आ गया। लेकिन ये दो रिसोर्स है नेचुरल कल्चर, तो हम नेचर में वर्ल्ड में रिच है सबसे ज्यादा नेचर के मामले में। हमारे पास हिमालय है, तो हमारे पास नीचे जो है इंडियन ओशियन भी है। हमारे पास जो है यहाँ बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पर हमारे पास अरब सी है। हमारे पास वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर्स में से एक रिवर गंगा है, और उसके बाद यमुना है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं, और उसके अलावा रिवर्स तो काफी सारी हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर्स और भी बहुत सारी रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, डेजर्ट है। इंडिया में डेजर्ट का एक अपना टूरिज्म है। इंडिया में जो है क्या कहते हैं, हमारे पास फॉरेस्ट है, ठीक। इंडिया में हम हॉट, सबसे ज्यादा दुनिया में हॉटस्पॉट जो है दो जगह पर मिलते हैं, एक है इंडिया और एक ब्राजील, सबसे ज्यादा जो मिलते हैं हॉटस्पॉट। तो इंडिया इज ए सेंटर ऑफ हॉटस्पॉट्स, और वो भी खास कर कौन सा, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। पहले वेस्टर्न घाट्स और पहले वेस्टर्न घाट्स, हिमालय और ईस्टर्न घाट्स, ये अपने आप को वर्ल्ड में रिच बनाता है। ये हॉटस्पॉट इंडिया को वर्ल्ड में रिच बनाता है। इंडिया अपने आप में इतना रिच है, हमें अपनी बस चीजों को देखना है, समझना है। अगर हम इनकी बात को देख ले, समझ ले, तो हमें किसी भी कंट्री की तरफ हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। आजकल जिस तरह का दुनिया का डेवलपमेंट चल गया है, और हम लोग उसके बावजूद भी मतलब हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि दुनिया एक इस तरह के पैटर्न पर जा रही है कि जहाँ पे उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जबकि अगर हम देखें, हमारे पास नेचर के मामले में किसी भी तरह की कमी नहीं है, और उसी से हमारे पास टूरिज्म है, और टूरिज्म हमें इतनी सारी अर्निंग दे सकता है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा कल्चर की बात करें, तो कल्चर में हमारे पास इतने सारे क्या कहते हैं, इतने तरह के जो है अलग अलग रिलीजन्स हो गए, अलग अलग तरह की संस्कृतियां। दरअसल रिलीजन्स का मतलब अलग अलग टाइप की कल्चर्स है हमारे पास, ठीक। जो जिस तरह से जीना चाहता है, उसकी एक अपने तरह की कल्चर है, और वो कल्चर आपको रिलीजन वाइज भी दिखाई देगी, स्टेट वाइज भी दिखाई देगी। सिर्फ रिलीजन से मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि भाई जो है क्या कहते हैं नॉर्थ का मुसलमान है और जो साउथ का मुसलमान है, दोनों की लगभग एक जैसी कल्चर हो, इतना जरूरी नहीं है। साउथ में वहां की ज्योग्राफी को लेते हुए वहां के लोगों की कल्चर है, नॉर्थ में वहां की ज्योग्राफी को लेते हुए वहां की कल्चर है, ईस्ट में वहां की ज्योग्राफी को लेते हुए वहां की कल्चर है, ठीक है। तो सब जगह की कल्चर्स अलग अलग हैं, तो कल्चर में बहुत सारी चीज आ गई। कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया में इतनी वास्ट है कि इसी चीज को ही जो है दुनिया में अप्रिशिएट किया जाता है। मार्क ट्विन का भी एक स्टेटमेंट है, मार्क ट्विन वो पर्सन है जिसने कि इंडिया के टूरिज्म को डीपली स्टडी किया है, और वर्ल्ड में ये रेनाउंड ट्रेवलर है मॉडर्न टाइम का। पास्ट टाइम के हमारे पास कई सारे ट्रेवलर्स आते हैं, लेकिन मिडविल टाइम के, उससे पहले के टाइम के, एंशियंट टाइम के ट्रेवलर्स इंडिया में काफी आए, लेकिन मॉडर्न टाइम का जो एक ट्रेवलर है मार्क ट्विन, ये वर्ल्ड में मशहूर है। इन्होंने खासकर साउथ ईस्ट एशिया को ट्रेवल किया, उसमें भी सबसे ज्यादा जो ट्रेवल किया उन्होंने इंडिया को ट्रेवल किया, और इंडिया को बताया कि दुनिया में जितने भी तरह की कंट्रीज हैं, उतनी सारी चीज तो इंडिया के स्टेट्स में ही है। जो दुनिया में जितनी भी तरह के अलग तरह की चीजें, वो चीज पूरी दुनिया में नहीं है, जो कि सारे इंडिया में है। तो इस तरह से ये समझा जाए कि यार इस वाले हमारे सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है फिलहाल में, टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ये आपके पूरे 3 साल की जान है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? हाउ मेनी स्टूडेंट्स एग्री दैट कि ये आपका 3 साल का कोर्स है टूरिज्म का, इसकी सारी जान इस वाले सिलेबस में, इस वाले सब्जेक्ट में है, इस पेपर में है, टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया में? कितने लोगों को लगता है ऐसा? आप मुझे ये बताओ कि कितने लोग इस सब्जेक्ट को, इस पेपर को सीरियसली ले रहे हैं? सीरियसली मतलब ज्यादा इसमें पढ़ा लिखी की टेंशन नहीं लेनी, नहीं, इसमें इंटरेस्ट लेना है। मैं ये ऐसा जो इंटरेस्ट ले रहे हैं समझना, तो जो लोग इसमें इंटरेस्ट उस तरह से नहीं दिखा पा रहे हैं अभी,
तो इस बात को इसलिए यहाँ दोबारा बताया जा रहा है कि आप लोग इस यही एक सब्जेक्ट है कि जो कि आपकी आगे की जर्नी को तय करने वाला है। क्यों? क्योंकि आप किसी ट्रैवल कंपनी में काम करो या एयरलाइंस में काम करो या होटल में काम करो, आपको तो भाई टूरिज्म इंडिया का पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। आप कोई आइटनरी बनाओगे तो आइटनरी आपको एनी डेस्टिनेशन की मतलब एनी को लेकर के आपको आइटनरी बनानी होती है, ठीक है। आप इंटरनेशनल जर्नी दे रहे हो और क्या कहते हैं, आप कहीं पे भी काम करो आपको तो इस पे काम करना ही पड़ेगा ना। सारे टूर पैकेज इसी पे डिपेंड होते हैं, एयरलाइंस टूर पैकेज बनाए या फिर ट्रैवल एजेंसी टूर पैकेज बनाए, डिपेंड तो सब इसी पे ही है ना। यस सर। जैसे अगर आप यहाँ किसी एयरलाइंस कंपनी में काम कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, और आपको अपने आपके पास एक क्लाइंट आया और आपसे वो पूछता है कि मेरी एक टिकट बुक कर दो, और लेकिन आप कह रहे हो कि मैं तो सिर्फ टिकटिंग करती हूँ, तो मुझे क्या मतलब कि वहाँ किसी दूसरे कंट्री में क्या देखने लायक है क्या नहीं देखने लायक है। लेकिन कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे तो नहीं पता ना कि फॉरेन कंट्री में कहीं जाना है तो वहाँ क्या देखने लायक है, तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और आप कहोगे नहीं मैं तो टिकटिंग करता हूँ बस, मैं तो टिकटिंग करती हूँ, मैं तो GDS और CRS आता है, मैं तो कुछ टाइप करती हूँ और बुकिंग हो जाती है, तो इससे काम चल जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं चलेगा। कस्टमर एक होटल प्रोफेशनल से भी एक्सपेक्ट करता है, एक जो है ट्रैवल एजेंट से भी एक्सपेक्ट करता है, और एक एयरलाइन पर्सनल से भी एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। और इसलिए ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये जान है, ये आपको इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं जगा पाए तो आपका टूरिज्म करना बेकार है। इस पेपर के बारे में आप इंटरेस्ट नहीं जगा पाए, ठीक है, तो आपका टूरिज्म करना बेकार है। बाकी सारे पेपर आप अच्छी तरह से कर लो, और इसको ना कर पाओ तो बेकार है। आप बाद में ढूंढोगे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ काम, ठीक है। कहीं काम मिलेगा, मिलने के लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो आपको यह सारी चीज पूछी जाएंगी इंटरव्यू में, पूछी जाएंगी नहीं पूछी जाएंगी? यस सर। टूरिज्म कोर्स करके आओगे तो ये नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप देखो आपके कोर्स में है क्या। दरअसल पहली यूनिट की जिसमें हमने सिर्फ ये अंडरस्टैंड किया कि टूरिज्म प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और यूनेस्को ने टूरिज्म प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया है, और टूरिज्म रिसोर्स के लिए इंडिया टूरिज्म रिसोर्स है उसके लिए ASI कैसे काम कर रहा है, ठीक कैसे काम करता है। टेक्निकल यूनिट में हमारे पास आर्किटेक्चर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, ये सब आते जाएंगे अभी हम करते जा रहे हैं, तो हेरिटेज और रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तमाम तरह के हेरिटेज पूरे इंडिया में भरे हुए हैं, हेरिटेज भरा हुआ है इंडिया में, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। म्यूजियम्स उसी आर्ट कल्चर को है जो हमारे क्या कहते हैं हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में से निकला है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से जो जो कुछ निकला है उसको सहेज के म्यूजियम में रखा गया है, और उसके अलावा इंडिया पेंटिंग्स में, स्कल्पचर में, म्यूजियम में, सॉरी आर्ट्स में, क्राफ्ट में ऐसी तमाम तरह की चीजों में बहुत रिच है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग अब बात करते हैं रिसोर्सेज, टूरिज्म रिसोर्सेज की टूरिज्म रिसोर्सेज की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास दो तरह के रिसोर्स निकल के आते हैं, ठीक। एक रिसोर्स निकल के आता है कल्चरल रिसोर्स, और दूसरा निकल के आता है नेचुरल रिसोर्स। अब हमारे पास जो कल्चरल रिसोर्सेज में उसके टाइप्स किस किस तरह के कल्चरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ कल्चरल रिसोर्सेज को हम यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं, रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, फेयर्स फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, योगा मेडिटेशन ये वाली दुनिया है, ठीक, फोक डांसेस हैं, फोक्स डांसेस हैं, म्यूजिक हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, और एटसेट्रा, यहाँ पर एटसेट्रा लगाया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर हम बहुत सारे टॉपिक और पढ़ सकते हैं। कल्चर में इंडिया इतना रिच है कि हमारे पास टॉपिक की कमी नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताता रहूंगा कौन कौन से टॉपिक अभी जो कवर कर सकते हैं उनको कवर करेंगे, इसमें जो लिखे एटसेट्रा में कई और टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कल्चर में आ गए, नेचुरल में इंडिया बहुत रिच है, लैंड फॉर्म्स, लैंडस्केप्स, ठीक है, माउंटेन। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सर बट आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सर शो नहीं हो रही। जोर से बोलो, जोर से। निकी भी बहुत स्लो आ रही है सर, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही जो आप शो कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, I am not able to audible you clearly. आवाज बहुत स्लो, बहुत धीरे बोलती हो, या अपने माइक को
सर वो बोल रही हैं कि उनकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। सर आपकी बाकी सबको दिखाई दे रही है? यस सर दे रही है सर। हाँ तो अंजलि अपना थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चेक करो अपना क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ सर सब बच्चों को दिखाई दे रहा है। देखो चेक करो एक बार दोबारा उसे डिस्टर्ब करके कनेक्ट करो दोबारा आ जाएगा। अब देखिए कि नेचुरल की हम डिस्कस करते थे माउंटेन्स हैं लैंडफॉर्म्स हैं लैंडस्केप्स हैं। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं और लैंडस्केप क्या होते हैं? इन्हीं दो बातों में लैंडफॉर्म लैंडस्केप में पूरा इंडिया समाया हुआ है। बताओ जरा लैंडफॉर्म्स क्या हुए? बताइए आयुष। ओजस्व हर्ष बताओ लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म यस सर। सर लैंडफॉर्म सर फीचर होता है और सर मतलब लैंड लैंड के टाइप होता है सर। लैंडफॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ लैंड सर फॉर्म ऑफ लैंड एंड सर लैंडस्केप इंक्लूड्स मेनी लैंडफॉर्म्स। सर लैंडफॉर्म्स हमारे सर माउंटेन प्लूटो डेजर्ट सर ये हो सकते हैं एंड सर आप रिसोर्स नेचुरल टूरिस्ट रिसोर्स पढ़ रहे हो तो यहाँ से हिंट मिल रहा है ना हमें हमें एंड सर यस सर एंड सर रिवर्स भी आएंगे इसके या फिर सर रिवर्स वाटर बॉडीज भी आएंगे? नहीं रिवर्स नहीं आएंगे। लैंडफॉर्म्स में हमारे पास हो गए डेल्टास हो गए प्लेन्स हो गए माउंटेन ये सब हमारे लैंडफॉर्म्स हो जाते हैं। यस सर आप प्लीज और बच्चों को सुनने दो कि आपके माउंटेन्स एक तरह का लैंडफॉर्म है। हम डेजर्ट आते हैं एक तरह का लैंडफॉर्म है। वेस्टर्न घाट्स आते हैं एक तरह का लैंडफॉर्म है ठीक है ना। तो ये सब लैंडफॉर्म्स हैं। लैंडस्केप क्या है? जिस ज्योग्राफी में जिस चीज की एक शेप होती है वो लैंडफॉर्म हो जाता है। यहाँ शेप होती है उसको लैंडफॉर्म हो गया। वेरी गुड। तो हमारे पास वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट हिमालय ठीक है वो सारे पहाड़ी एरिया क्षेत्र है वो हो गया डेजर्ट हो गया। तो ये सब क्या हो गया हमारे लैंडफॉर्म्स हो गए। और लैंडस्केप क्या हो गए? लैंडस्केप किसी भी टाइप के लैंडफॉर्म या सर लैंडस्केप बेसिकली इंक्लूड्स अ वन और मेनी लैंडफॉर्म्स। लैंडस्केप में सर नेचुरल अगर जैसे कि जो बादल होते हैं लैंडफॉर्म है आप उसको लैंडस्केप भी बोल सकते हैं। Like, कोई अगर आप लैंडफॉर्म को देख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप। आप ऐसे बोल सकते हैं। हाँ लैंडफॉर्म यस सर। कुछ लैंडस्केप लैंडस्केप इज एन एरिया एंड विद इन दैट एरिया देयर कैन बी मेनी लैंडफॉर्म्स। ऐसा भी तो कह सकते हैं विद इन ए लैंडफॉर्म लाइक हिल्स एंड नहीं थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ हमें करके चलना पड़ेगा। इसलिए करके चलना पड़ेगा क्योंकि हम लैंडफॉर्म्स एज ए टूरिज्म रिसोर्स अलग पढ़ेंगे और लैंडस्केप्स एज ए टूरिज्म रिसोर्स अलग पढ़ेंगे। ये क्लियर है? अब इसमें क्या करना होगा लैंडस्केप हमारे पास कौन से एरियाज हो गए जैसे जो मैदानी इलाके हैं कौन से प्लेन मैदानी जैसे रिवर्स हैं गंगा तो गंगेटिक गंगा जो निकल रही है पहले पहाड़ों से निकलती है फिर वो प्लेन्स में आती है ना। प्लेन से होते हुए फिर वो जो है सी में जा करके बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है ठीक है है ना बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब आप देखिए कि पहाड़ों के बाद से गंगा कहाँ आ गई लैंडस्केप में? लैंडस्केप में आई नहीं आई? अब इस पूरे लैंडस्केप में हमारे पास किसी ना किसी तरह का नेचुरल फॉर्म ऑफ टूरिज्म मिल जाएगा। इन्हीं लैंडस्केप में हमें बहुत सारी सेंचुरीज मिलेंगी
ठीक है, नेशनल पार्क्स मिलेंगे, फॉरेस्ट मिलेंगे, है या नहीं? यस सर। तो एक तो हमारे लाइक हिमालय पर, हिमालय पे भी जंगल है, वेस्टर्न घाट में भी जंगल है, और लैंडस्केप है, लैंडस्केप में भी जंगल है। तो नदियां, नदियों के किनारे जो प्लेन्स होते हैं, ठीक है, उसके उसके पास जो है, हाँ, तो लैंडस्केप में दरअसल सिविलाइजेशन ग्रो करती है। ज्यादातर ग्रो शुरुआत से जो हुआ है वो ये लैंडस्केप के एरियाज में सिविलाइजेशन का ग्रो आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। तो लैंडफॉर्म्स और लैंडस्केप में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम माउंटेन्स, आज हम ये सिलेबस को क्यों यहाँ पर करना पड़ रहा है कि मुझे यही महसूस हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि हम इस सब्जेक्ट में कर क्या रहे हैं। तो ये क्लियर हो जाए कि क्यों करना है, क्या करना है इसमें, और कैसे करना है, और इसके बारे में कहाँ कहाँ हमें रिसोर्सेज मिलेंगे, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं बस, ठीक। माउंटेन्स एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट, माउंटेन जब हिमालय, हमारे पास जो हिमालय है अपने आप में वो एक टूरिज्म प्रोडक्ट है, तो उसको यहाँ पढ़ने वाले हैं, सिर्फ हिमालय को, ठीक है। हिमालय रेंज नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक पूरी फैली हुई है, इतना बड़ा रेंज है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेंज है माउंटेन्स का, ठीक है, इसको पढ़ने वाले हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा रिच है। इसके अलावा डेजर्ट एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। अब आप बताइए इंडिया में डेजर्ट कहाँ कहाँ है, कहाँ है और कहाँ कहाँ है, कौन सी बात सही है? राजस्थान में है, गुजरात में है, राजस्थान, राजस्थान में सर, राजस्थान है, गुजरात है सर, जैसलमेर के पास है। ओके ओके ओके, डेजर्ट और सर हमारा व्हाइट डेजर्ट सर रन ऑफ कच्छ भी है। यस, मैं यही बताना चाह रहा था ना, प्लीज अभी बच्चों को सुनने दो, बाकी बच्चों को, कि डेजर्ट का नाम आते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि ये तो राजस्थान की बात आ रही है जनरली। तो बाकी सारे बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम यही समझ रहे हैं कि हमें यही समझना है ना, हमें अभी जरा बोलने दो। तो डेजर्ट हमारे पास राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है, ठीक है। तो राजस्थान में जो डेजर्ट है उसका एक टूरिज्म का टूरिज्म एक्टिविटी, वहाँ की टूरिज्म एक्टिविटी है, वहाँ किस तरह का टूरिज्म प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है। ऐसी गुजरात में जो डेजर्ट है वहाँ की टूरिज्म एक्टिविटी है, गुजरात के डेजर्ट की टूरिज्म एक्टिविटी अलग हो सकती है, अलग होती है किससे, आपके राजस्थान के डेजर्ट से, ठीक है। तो दूसरे इसको हिंदी में हम मरुभूमि भी कहते हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश में इन बातों को समझने में दिक्कत हो रही है, पहली बात आप समझ लीजिए कि ये जो सब्जेक्ट है टूरिज्म हिंदी इंग्लिश दोनों का है, इसमें जो है जरूरी नहीं है कि आप सारा कुछ इंग्लिश में ही पढ़ें और जरूरी नहीं है कि आप सारा हिंदी में ही पढ़ें। इसमें सबसे खास बात है ये सब्जेक्ट इस तरह का है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बननी चाहिए, ठीक। इग्नू के कोर्सेज हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, ठीक है। डी यू के कोर्सेज हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, वहां पर ये अलाउड होता है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी अलाउड है। तो आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, जिन बच्चों को यहाँ पर समझने में दिक्कत आती है टर्मोलॉजीज को, वर्ड्स को, तो वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, उसके भी रिसोर्सेज मैं बता दूंगा, ठीक है, वो भी बताऊंगा। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग सही बननी चाहिए। कई मर्तबा जो है लैंग्वेज एक बैरियर बनता है बच्चों को बहुत सारी चीज जानने में। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हमने भी स्टार्ट किया था पढ़ना तो हमें भी बहुत बड़ी दिक्कत कभी कभी इंग्लिश की वजह से आती थी, लेकिन वो बात अलग है कि हमने स्पीकिंग अपने आप सीखा, कहीं हमने कोई कोचिंग नहीं लगाई और शुरुआत से इंग्लिश स्पीकिंग करते रहे, लेकिन फिर भी हमें हिंदी से काफी चीजें जानने को, समझने को मिली। तो इसके लिए मैं आपको हिंदी की रिसोर्स भी बताऊंगा कि ज्यादातर जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनको समस्या आती है, जबकि वो करियर में सबसे अच्छा करते हैं, काफी अच्छा करते हुए देखा गया। तो लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होना चाहिए हमारी समझ के लिए। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम कुछ आती भी है तो अपना हिंदी में सवाल जवाब लिखे और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं टोटल पूरा, ठीक है, टूरिज्म के खासकर इस वाले सब्जेक्ट को, ठीक। तो हिंदी के रिसोर्सेज बताऊंगा और हिंदी वाले रिसोर्सेज से आपको बहुत आसान भी होगा इस बात को समझना कि हमारा भारत प्राकृतिक परिदृश्य से और सांस्कृतिक परिदृश्य से कितना विशाल है, कितना वृद्ध है, कितना फैला हुआ है और कितना ज्यादा सुंदर है, और इसको
अभी तक हमें ना तो हमने देख पाए या फिर हमने कभी इसको जानने की कोशिश नहीं की। अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी धरोहर है, हेरिटेज है, जिससे हम पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं। हमारे पास पावर है कि इंडिया के इस वाली पावर से कि हम दुनिया को खरीद सकते हैं। इसका मतलब हमें किसी देश पर, दुनिया के किसी भी देश पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें हमारी टूरिज्म पूरी करता है। तो वो सब चीजें क्या हैं, कैसे करनी है, वो हम यहाँ पढ़ अभी फिलहाल सिलेबस से समझ रहे हैं। ठीक है, कौन है ये? कोई जी बसी हुकुम सिंह पूजा मत करो तुम्हारा भैया। ये कौन है, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। वो इज़ी और सी काट दो। हिमांशु है क्या? इसको हिमांशु का है, पहले से को काटा। हिमांशु म्यूट कर ले यार। फिर इस हिमांशु सत्संगी, इसी को मैं हटाता हूँ यहाँ से, डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको। हिमांशु का नाम मतलब हिमांशु ना है। तुम क्यों चिल्ला रहे हो क्लास में? क्लास चलती है तो रोज डिस्टर्ब करते हो। मैं तो कुछ कही ना, सॉरी सर। नाउ सी, डेजर्ट टूरिज्म प्रोडक्ट हो गया, कोस्टल और आइलैंड एक टूरिज्म प्रोडक्ट है। कोस्टल से क्या समझते हैं बच्चे लोग? जो रेगुलर बोलते हैं वो नहीं बोलेंगे, मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो बिल्कुल खामोश हैं। ये बताएं, कोस्टल से आप क्या समझते हो, आइलैंड से क्या समझते हो, बताइए। अब मैं नाम लेने वाला हूँ बच्चों का जो बिल्कुल ही चुप रह करके सोचते हैं कि हम क्लास पूरा साल बता देंगे, मैं उनका नाम लेने वाला हूँ अभी। अंजू जो बच्चे आवाज नहीं आएगी उसकी एब्सेंट लगा देना। अंजू, कोस्टल और आइलैंड क्या होता है? व्हाट इज कोस्टल, व्हाट इज आइलैंड? सर समझ नहीं आया। देखो ये जवाब है आपका, समझ नहीं आया। yes, sir. पहली बार आपसे पूछा तो आपने कहा कि समझ नहीं आया। इतने दिनों से क्या था, इतने दिनों से नहीं पूछ सके आपकी, हमें समझ नहीं आ रहा सर। ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो हमारे लिए क्लास लेना टाइमिंग की बाउंडेशन, सामने बच्चे नहीं है तो आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको कुछ पूछना है तो पूछो। सॉरी टू डिस्टर्ब सर, स्क्रीन पर सिर्फ जो आपने कोर्स अपडेट किए थे ना वो शो हो रहा है और कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैंने 2-3 बार चेक किया। क्या शो हो रहा है? अच्छा, सिलेबस शो नहीं हो रहा आपको? नो सर। नहीं सर, सिलेबस शो नहीं हो रहा अभी? नो सर। ओके ठीक है, मुझे लगा कि आपको शो हो रहा है, ये मुझे यहाँ से स्टॉप शेयर करके ये दोबारा शेयर करना पड़ेगा। सर यही बोला था मैंने तब भी। अच्छा तो वो बताना चाहिए ना कि सर सिलेबस शो नहीं हो रहा, और जो स्क्रीन शो हो रही थी वो बताना था कि ये शो हो रहा है वो नहीं शो हो रहा। अब शो हो रहा है? बोला था जो आप, यस सर। अब शो हो रहा है ना? यस सर, यस सर। ये पहले क्लियर नहीं बताया। थैंक यू सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी हम फिलहाल में सिलेबस को समझ रहे थे दरअसल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो कोस्टल और आइलैंड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका ये लैंडफॉर्म था, लैंडस्केप थे, माउंटेन्स एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट था जिसमें हिमालय हम पूरा पढ़ेंगे, डेजर्ट एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट है, कोस्टल एंड आइलैंड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं। इन सब से मिलाकर के हमारा नेशनल नेचुरल टूरिज्म रिसोर्स पूरा होता है, इंडिया का पूरा इंडिया कवर करते हैं इसमें नेचुरली। तो कोस्टल्स क्या थे इसमें और आइलैंड्स क्या हैं? आइलैंड्स आपके हो गए द्वीप। आइलैंड्स कई सारे हैं इंडिया के, कौन कौन से आइलैंड्स हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। कितने आइलैंड्स हैं इंडिया में बताओ, नाम बताओ, गिना सकते हैं? इंडिया में कितने आइलैंड्स हैं सर? अंडमान और निकोबार एंड दमन और दीव, लक्षद्वीप और
एक और आइलैंड है जिसे हम भूल जाते हैं, दादरा नगर हवेली, दमन दीव तो हो गया ना, स्वराज द्वीप, दादरा नगर हवेली आइलैंड, कौन सा मड आइलैंड, अगाती आइलैंड, मजूली सर, सुंदरवन। अब सुनिए जरा, सुंदरवन आइलैंड नहीं है भाई, अब सुनिए ये हम पढ़ेंगे खैर आपको जब क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी बताएं, अंडमान निकोबार एक आइलैंड है, लक्षद्वीप है, दमन दीव है, दादरा नगर हवेली है, उनको हम जानते ही हैं, लेकिन एक आइलैंड और है जो जनरली लोग जो है भूल जाते हैं जानते हुए भी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट सर, वहां से ऑयल निकाला जाता है बॉम्बे में, बॉम्बे के पास है, तो वो इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है, वो बॉम्बे हाई है, नो आप बॉम्बे हाई की बात कर रहे हो, उसको बॉम्बे हाई कहते हैं, आप जिसको कह रहे हो जस्ट दैट इज बॉम्बे हाई, अब मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा आइलैंड, एक ही नहीं है क्या वो, इंदिरा पॉइंट तो लोएस्ट पॉइंट है इंडिया का, हाँ लोएस्ट लोएस्ट, एक एसटी मेरी है सर वहाँ कर्नाटक में, हाँ तुम नए नए निकालते रहना, आइलैंड की बात कर रहे हैं सर, आगे पढ़ाएंगे सबसे आगे जब आएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इतना कुछ हम नेचुरल रिसोर्स पढ़ने वाले हैं, फिर आ रहा सोशियो कल्चरल रिसोर्स, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में हम रिच हैं, जैसे कि हम बार बार बोलते रहे हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक, हमारे देश की सामाजिक संरचना एक मिश्रित संरचना है, हमारा जो समाज है वो कई जो है रिलीजन्स कह सकते हो और ज्योग्राफिकल कह सकते हो, रिलीजियस लेवल पर, ज्योग्राफिकल लेवल पर हम कई तरह से सामाजिक स्तरों पर बटे हैं, जैसे कि हम अगर सिर्फ रिलीजन लेते हैं तो हम आदिवासियों को भूल जाते हैं कि आदिवासी को किस मानते हैं, आदिवासी का भी तो कोई अपना होगा, तो वहां पर हम कोई धर्म खोजें तो धर्म जैसी चीज नहीं मिलती, तो आदिवासियों का एक अपना कल्चर है, वो उनका ज्योग्राफिकल कल्चर है, उनका अपना समाज है, बात आ रही समझ, रेगिस्तान में रहने वाले जो क्या कहते हैं ट्राइब्स हैं उनका एक अपना कल्चर है, उनका कोई रिलीजन नहीं, ऐसी जंगलों में रहने वाले, छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहने वाले और जो है नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोगों का एक अपना समाज है, शहर में जो व्यक्ति आ जाता है, हमारे देश की स्थिति में ऐसा है कि जो शहर में आ जाता रहने के लिए सिन सिटी, ठीक है, या उन गांव में जो कि वेल नोन रहते हैं, तो वो जब उन सिटी या गांव में आता है तब उनका एक रिलीजन बन जाता है, वो किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन जब वो अपने प्राकृतिक माहौल में रह रहे होते हैं तो उनका समाज अलग होता है, उनकी स्टडी अलग होती है, उसको हम ट्राइब कहते हैं, ट्राइबल सोसाइटी और ट्राइबल कल्चर, ये अलग कल्चर हो गई, वो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही शहर में आ गया कोई तो शहर में रिलीजन में कई तरह के हमें लोग मिल जाते हैं, गांव में कई तरह से रिलीजन से लोग मिल जाते हैं, तो हम सोशली कल्चरली बहुत ज्यादा रिच हैं, ठीक है, रिलीजियस हो, ज्योग्राफिकल हो, या फिर रिलीजियस हो गए, ज्योग्राफिकल हो गए, यही दो मुख्य बात है, ठीक है, ज्योग्राफिकल लेवल पर एक समाज बनता है हमारा, और एक हमारा समाज बनता है रिलीजियस वाइज, और उसके अलावा तमाम तरह के, कई लोग रिलीजियस किसी रिलीजन में नहीं है लेकिन तमाम तरह के उनके मत हैं, संप्रदाय हैं, अलग तरह की सोच है, तो इन सब बातों से लेकर के हमारा देश एक रिच कल्चरल स्टेट बनता है, ठीक है, अब इसमें हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोच ही नहीं पाते, मणिपुर तक पहुंच ही नहीं पाते, इम्फाल तक पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है, मतलब वहां के जो स्टेट्स हैं क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, वहां तक हम सोच नहीं पाते, वहां की कल्चर को हम देख नहीं पा रहे होते, लद्दाख तक हमारा नहीं ध्यान जा पा रहा होता, यहाँ पर साउथ में हम आ गए, तमिलनाडु और केरला तो डिस्कस कर लिया, उसके अलावा भी जो स्टेट्स हैं वहां हम नहीं ध्यान दे पाते, ठीक है ना, वो बात हो गई, ठीक, तो इस तरह से हम कल्चरली और सोशली बहुत ज्यादा रिच हैं, तो आर्किटेक्चर हेरिटेज है, इसी से ही हमारा सोशियो कल्चर से क्या निकला हुआ है, हम पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा जो कल्चर किससे बना होता है, हमारा कल्चर बनाया हमारी हिस्ट्री से आज हमारा कल्चर बना है, और हिस्ट्री और कल्चर के मेल जोल से बनता है किसी न किसी तरह का आर्किटेक्चर आज दुनिया में हमारे सामने, ठीक है ना, तो आर्किटेक्चर लेवल पर हम बहुत ज्यादा रिच हैं, जो जिस अलग अलग काल का अलग अलग समय का, ठीक है, हमारे पास आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, तो ये हेरिटेज है हमारे देश का, ठीक है ना,
कल्चरल हेरिटेज में आता है आर्किटेक्चर। फिर इसके बाद आ गया आपका हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ टूरिस्टिक सिग्निफिकेंस, कि आपके जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं इनका टूरिस्टिक सिग्निफिकेंस क्या है। टूरिस्टिक सिग्निफिकेंस किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का निकलता है तो उसके इतिहास से निकलता है, कैसे निकलता है, उसके हिस्ट्री से, इतिहास से। ठीक है, किसी मॉन्यूमेंट को, कोई मॉन्यूमेंट खड़ा हुआ है और हम गए, जब तक अब जैसे कोई फॉरेनर, अब हम ही खुद अपने एग्जांपल ले लें, हम किसी फॉरेन कंट्री गए और किसी कोई मॉन्यूमेंट हमें दिखाया गया लेकिन उसके बारे में हम बताया नहीं गया, तो वो हमें क्या लगेगा जब तक, बताइए। अगर जब तक हमें बताया ना जाए तब तक वो मॉन्यूमेंट हमें क्या लगेगा, क्या महसूस होगा, बताइए। एक नॉर्मल बिल्डिंग की तरह महसूस होगा सर, बस ऐसा लगेगा कि कुछ पत्थरों की बिल्डिंग खड़ी है ना। तो गाइड क्यों होता है, गाइड हमें उसके बारे में बताता है ना, तो गाइड क्या बताता है, दरअसल उसका ऐतिहासिक सत्य, ऐतिहासिक उसके तथ्य बताता है। ठीक, ये जो सारी बात बता रहा है, इतिहास से लेकर के चीजें बता रहा है, ये सारी बातें हमारी सोशियो कल्चर एनवायरमेंट में आती हैं। किसमें आती हैं, सोशियो कल्चर एनवायरमेंट जिससे हमारा टूरिज्म बना है। तो ये जो टूरिस्टिक सिग्निफिकेंस है उसमें उसका ऐतिहासिक तथ्य आ रहा है, ठीक है, ये हम जानेंगे ये क्या है। और उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल साइट्स पहले भी कर रहे थे कुछ, यहाँ पर फिर सोशल इस टर्म के अंतर्गत आएंगे सारी की सोशियो कल्चर के अंतर्गत आर्कियोलॉजिकल साइट्स, रिलीजियस सरेंस सेंटर्स, ये भी सोशियो कल्चर के अंतर्गत, ठीक है। और उसमें हमारे पास यानी कि कैसे सोशियो कल्चर की, ये देश के हमारी कुछ रिलीजियस को लेके कल्चर है, हमारे देश में एक हिंदू एक रिलीजियस कल्चर है, ठीक है, सोशियो रिलीजियस का सोशियो कल्चर है, ठीक है, बुद्धिस्ट एक सोशियो कल्चर है, जैन एक सोशियो कल्चर है, सिख एक सोशियो कल्चर है, सिखिज्म, और जो इस्लाम या मुस्लिम नहीं लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, ठीक है, इस्लामिक सेंटर्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक सोशियो कल्चर है, क्रिश्चियनिटी जो इसको मानने वाले, इसका भी बहुत बड़ा एरिया है, कहीं काफी जगहों पर बहुत जगह फॉलोअर है, उस तरह की वो कल्चर को फॉलो करते हैं, उस तरह का उनका सामाजिक वातावरण है। इसके बाद लिखा है अदर्स, अदर्स क्यों लिखा है, कि सिर्फ भारत की सोशियो कल्चर हिंदू बुद्ध सिख जैन इस्लाम या क्रिश्चियन तक सीमित नहीं है, ऐसे बहुत सारे और सेक्ट हैं कि जो अपने आप को इसमें नहीं मानते, उनकी अपनी एक फिलॉसफी है, अपना एक मत है, और